सो फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने यूट्यूब चैनल का चैनल आर्ट या फिर चैनल बैनर क्रिएट करना चाहते हैं जो दिखने में एकदम प्रोफेशनल लगे, कुछ इस तरह से या फिर कुछ इस तरह से? तो कैसे करना है क्रिएट, बताऊंगी आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो करते हैं तुरंत स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले आपको ओपन करना है गूगल क्रोमो और सर्च करना है यूट्यूब चैनल आर्ट साइज पीएनजी। और सर्च करने के बाद आपको करना है ओपन, और आप इस तरह की जो टेम्पलेट देख रहे हैं या फिर इस तरह की, आप इनमें से एक को डाउनलोड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इसको क्यों डाउनलोड कर रहे हैं, इसका यूज आपको फर्दर वीडियो में पता चल जाएगा। नाउ सेकंड स्टेप में आपको ओपन करना है कैनवा एप्लीकेशन। आप इसको लैपटॉप और मोबाइल दोनों में ओपन कर सकते हैं, और जाना है टॉप पर और सर्च करना है यूट्यूब चैनल आर्ट। जैसे फ्रेंड्स आप ओके करेंगे, आपके सामने थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट्स ओपन हो जाएगी। सो आप इन टेम्पलेट्स में से चूज कर सकते हैं जो भी आपको सुटेबल लगती है अपने चैनल आर्ट के लिए। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी टेम्पलेट्स हमारे लिए ओपन हो गई है। आप इनमें से चूज कर सकते हैं अपनी च्वाइस की। सो फ्रेंड्स, सपोज करिए हम इस वाले टेम्पलेट को ओपन कर लेते हैं, और जो टेम्पलेट हमने डाउनलोड की थी अब हम इसको करेंगे ओपन। ओपन करने के बाद हम इसको कर देंगे अपलोड, और जो ये हमारी इमेज है इससे हम इसको एडजस्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। सो इसको एडजस्ट करने के बाद हम जाएंगे यहां पर ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन में, और हम इसको कर देंगे 12-14%, और ये कुछ हमारी इस तरह से शो होने लग जाएगी। और फ्रेंड्स, अब क्या है इसका यूज, आप देख सकते हैं जो हमारे ये लाइनिंग है, ये जो बीच का पोर्शन है ये हमारा मोबाइल व्यू, और जो साइड साइड का आप देख रहे हैं ये पूरा है हमारा डेस्कटॉप व्यू। तो हमको अपना टेक्स्ट या फिर इमेज इसमें ही एडजस्ट करनी है तो हमारा चैनल आर्ट एकदम प्रोफेशनल और बढ़िया दिखेगा। सो फ्रेंड्स, हम टेक्स्ट को कर देंगे डिलीट, और इधर राइट डाउन करेंगे हम अपना चैनल का नेम, और इधर दे देंगे कुछ डिस्क्रिप्शंस। तो इसमें हमें काफी सारे ऑप्शंस एडिट करने के लिए मिल जाते हैं। आप इसमें फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, इमेज का कलर चेंज कर सकते हैं, आप इसमें एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, काफी सारे ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाएंगे। फ्रेंड, जितने भी आपकी क्रिएटिविटी है, आपको जितना भी आता है आप इसमें यूज कर सकते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करेगा आप कितना क्रिएटिव इस चैनल आर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैंने अपने चैनल का नाम राइट डाउन कर दिया है, और इसमें हम बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं, काफी सारे एडिटिंग ऑप्शन आपको इसमें मिल जाते हैं। और जो स्टार्टिंग में हमने इसमें अपलोड की थी ट्रांसपेरेंट इमेज, अब हम इसको डिलीट कर देंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी एक प्रोफेशनल चैनल आर्ट क्रिएट हो गई है। अब हम जल्दी से कर लेंगे इसको सेव। इसी तरह से आप भी अपने चैनल का चैनल आर्ट क्रिएट कर सकते हैं, आपको इसमें काफी सारी टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। चलिए एक और टेम्पलेट को चूज कर लेते हैं, हम इसको करते हैं चूज। इस वाली इमेज में भी सबसे पहले हम अपने ट्रांसपेरेंट इमेज को कर देंगे इसमें अपलोड, और ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन में जाकर कर देंगे इसको 14%। और जो हमारी ये एरिया है हमें इसमें ही अपना टेक्स्ट और इमेज राइट डाउन करना है, तो हमारा मोबाइल व्यू एकदम परफेक्ट और प्रोफेशनल आएगा। तो सबसे पहले हम इसमें शेप को कर लेंगे इंसर्ट, और राइट डाउन कर लेंगे टेक्स्ट। आपको इसमें काफी सारी शेप्स मिल जाती है जिनको आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसमें से टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा फॉन्ट आपको चाहिए। तो मैंने राइट डाउन कर दिया अपने चैनल के नेम तुरंत, और नेक्स्ट हम डाल देंगे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शंस। कलर चेंज करके फ्रेंड्स देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है हमारी ये चैनल आर्ट, और जब आप इसको अपने चैनल पर अपलोड करोगे तो एकदम प्रोफेशनल आएगी। इसका मोबाइल व्यू और डेस्कटॉप व्यू दोनों बढ़िया आएगा। और लास्ट में हम जो हमारी ट्रांसपेरेंट इमेज थी उसको कर देंगे डिलीट, और कर लेंगे इसको सेव। तो चलिए फ्रेंड्स, एक टेम्पलेट में आपको मोबाइल में बता देती हूँ।
तो आपको ओपन करना है फोन में अपने कैनवा एप्लीकेशन और कोई सी भी टेम्पलेट आपको ओपन कर लेनी है। सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। आपको सबसे पहले टॉप पर YouTube चैनल आर्ट सर्च करना है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा काफी सारी YouTube चैनल्स ने अपने चैनल आर्ट में अपनी खुद की इमेज यूज करी हुई है, तो आप भी अपनी इमेज लगा सकते हैं। तो आपको एलिमेंट्स में जाके सेलेक्ट करना है फ्रेम। आप इसमें डिफरेंट शेप का फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं और रिप्लेस कर देनी है अपनी इमेज। आप इसमें अपनी चॉइस की इमेज अपलोड कर सकते हैं। तो ये हमारी एक इमेज वाली चैनल आर्ट क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह से आप अदर टेम्पलेट्स में भी इसको ट्राई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप इस तरह से अपना एक प्रोफेशनल चैनल आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये मेथड काफी सिंपल और काफी इजी है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही अनदर वीडियो में।